और जब रामवीर विधुड़ी जी कई ड्रेसों का जिक्र कर रहे थे तो मुझे एक बचपन में एक फिल्म देखी थी मैंने, राजा बाबू, उसमें गोविंदा और करिश्मा कपूर थे। तो क्या है कि गोविंदा उसके अंदर जो थे वो कभी स्कूल वगैरह नहीं गए, मगर शौक उनको सारे थे। उनको मन करता था कभी मैं इंस्पेक्टर दिखूं, कभी मैं डॉक्टर दिखूं, कभी गिरफ्तार फिल्म आई तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं वकील दिखूं। मतलब जो फिल्म सुपरहिट हो उसका जो कैरेक्टर हो तो उस कैरेक्टर में उसके कपड़े पहन के वो एक फोटो जो है अपने ड्राइंग रूम में चला चिपका कर रखे। देखिए आपने फिल्म देखी राजा बाबू, राजा बाबू थी। तो क्या जब उनका रिश्ता हुआ और रिश्ते वाले आए तो उन्होंने सारी फोटो देखी, एक में गोविंदा इंस्पेक्टर में थे, एक में डॉक्टर थे, एक में वैज्ञानिक थे, एक में जो वो क्या कहते हैं वो एडवोकेट थे। तो ये शौक होता है ऐसे आदमी का। जैसे मैं इंजीनियर, अध्यक्ष महोदय आपको मेरे घर में एक भी फोटो नहीं दिखेगी जिसमें मैं इंजीनियर के कपड़े में, या मैंने वकालत की हुई है तो आपको कोई फोटो नहीं दिखेगी मेरी कि मैं वकील के कपड़े में मैंने कोई फोटो, क्योंकि मैं हूँ वकील, मैं हूँ इंजीनियर, तो मुझे किसी को क्या दिखाने की जरूरत है। जैसे मैं एमएलए हूँ तो मेरे यहाँ कोई ऐसी फोटो नहीं है जिसके अंदर मैंने जो है कोई ऐसी चीज दिख लगा रखी हो या लिख रखा हो कि मैं एमएलए हूँ। भाई ये क्या होता है कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है आदमी के अंदर, जिसके अंदर प्रबल भावना हो, इच्छा हो कुछ बनने की, मगर पढ़ाई ना करने के कारण वो कुछ नहीं बन पाया। तो वो ये सही नई नई तरीके जो है वो अजमाता है कि आज मैं चलो फौजियों की ड्रेस पहनूं, आज मैं साइंटिस्ट बन जाऊं, आज मैं क्या, मतलब सब काम मैं ही कर रहा हूं। तो इसके अंदर क्या है, ये हालत और अध्यक्ष महोदय इसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है, ये एक तरीके की मनोवैज्ञानिक विकृति है जिसके आजकल जो है मनोवैज्ञानिक तौर पे कई सारे जो है उसके समाधान संभव हैं, होंगे समाधान होंगे, अगर डॉक्टर नहीं करेंगे तो जनता करेगी, मगर समाधान समाधान जो है वो रहेगी। सौरभ जी समय का ध्यान रखें। अध्यक्ष महोदय अब मैं जरा जो है समय का ध्यान बिल्कुल गंभीर मामले पे आता हूँ अध्यक्ष महोदय। तो